40 व्यक्तियों के विरुद्ध ही धारा लगा 302 धारा लगा के उन्होंने विरुद्ध परचा दर्ज किया जाए ताकि ये जो कानूनी हरकत हुई है इसने रोक लगाई जा सके कि पंजाब का माहौल खराब ना हो सके। देखते रहो चैनल। असी प्रशासन के अगे आई जी साहब के अगे अपील करा जो उन्होंने परचा दर्ज किया दो या तीन बंदे अरैसट पाई है जबकि वीडियो के मेरे को वीडियो भी मौजूद है जो तुम वीडियो देखना चाहो ये स्पीच दे रहा कि मैं इस जाति को बिलोंग करता वा तो मैं परचा द अपना की नाम राम जी का पुतला फूक रहा वा अपनी भावना प्रगट कर रहा वा रावण जेडे साडे पूर्वज जी बंदा पूछे कि रावण चार मिनट की गाथा से असं भी मानते हैं बहुत वधिया दसता से प्रभु श्री राम जी ने भी कहा वा लेकिन जोड़ा उन्हें कर्म किया कर्म के उत्ते सारे जोड़े पुण से सारे नष्ट हो चुके थे इस करके बलि देनी पई अपनी जिस बंद ने यह कर्म किया वांग है हुई है जल्द तो जल्द उन्होंने गिरफ्तार किया जाए कड़ तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए इस बार लाभ 295 परचा दर्ज होया लेकिन आने वाले दिनों के होर बाकी संगठन होगी कोई धर्म के उत्ते कोई भी यहोजा काम ना कर सके कानून बनाना चाहिए कि जिद उत्ते उन्होंने सजा वो सजा मिल दशहरे वाले दिन अमृतसर माना वाले विखे एक बहुत ही माड़ी मानसिकता लैके कुछ नौजवानों ने साढ़े भगवान श्री रामचंद्र जी का जरा पुतला दहन किया उसके रोस में सारे हिंदू संगठन के सारिया शिवसेना के संगठन जोड़े ने इकट्ठे हुए हैं। कुछ दिन पहला चंडीगढ़ विखे सारे हिंदू शिवसेना दिया उत्थे मीटिंग हुई सी उसके फैसला लिया गया सी भी जेडे वो गलत अंसर ने साढ़े श्री राम जी का भगवान जी का अपमान किया है उन्होंने 295 ए का परचा करके कुछ लोगों के इस मामले में दबन की कोशिश की गई है जी हिंदू समाज में कदे भी मंजूर नहीं क्योंकि उस वीडियो में साफ दिख रहा कि 40-45 लोग उस जगह पर इकट्ठे सन जेड़े इस प्रोग्राम देख रहे सन तो वो सारे साढ़िया हिंदू जिन्हिया पार्टियां ने शिवसेना संगठन ने उन्होंने फैसला लिया भी जिन्हें भी लोग उत्थे मौजूद सन उन्होंने 302 का परचा दर्ज किया जाए तो उन्होंने अरैसट किया जाए। मैं शिवसेना भारत जनरल सैकटरी पंजाब बोलना अज का जोड़ा धरना अज का धरने का मुद्दा ही राम भगवान जी को लैके जोड़ा अमृतसर के मानावाल उन्होंने सरूप साड़िया गया वा उस चंडीगढ़ से 30 अक्टूबर को लै गए तो मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के आधार से आप धरना मिथ्या ही तो उस आधार से इतने अच्छ धरना दिता है। की तुहाडी मंग है? साडी मंग सरकारां नूं ये है कि दोषियों को कड़ी तो कड़ी सज़ा दी जाए जी 295 ए ला के उन्होंने हिंदुआं नूं शांत करन लई 295 ए लाई है बस उन्होंने अंदर सुट छड़िया बाकी कड़ी कार्रवाई उन्होंने कोई नहीं हुई। अही मंग करते हैं सारे संगठन हिंदुआ वालों कि इन्हों के 302 ला के इन्हों कड़ी तो कड़ी रोकिया सज़ा दी जाए कि जिहड़ा अगे तो कोई इहोजा कर्म ना कर पाए। जय जी जिहड़ा धरना प्रदर्शन सारे हिंदू संगठन जिन्हें भी सारे इकट्ठे हो गए इतने बैठे आ जिहड़ा भी पिछे देखा दशहरे ते श्री रामचंद्र महाराज जी का जिहड़ा उन्होंने पुतला साड़िया जां वास्ते सारा सिस्टम जिहड़ा वा सारे हिंदू संगठन इकट्ठे हो गए जिहड़ा वा प्रदर्शन करन जा रहे आ कि जिहड़ा उन्होंने चार बंदियां नूं 295 ए का परचा दे के उस चीज़ को खत्म करने की कोशिश की सरकार ने सरकार के विरोध में जी सारे हिंदू संगठन आए आ भी जिहड़ा उत्ते जी तुसीं मूवी वेखदे हो तो 40-45 लोग जिहड़े साफ दिखाई दे रहे आ शिवसेना हिंदुस्तान या सारे संगठन अच्छ जी एक मांग करते हैं कि उन्होंने बंदियां 40 से परचा आना चाहिए तो 302 का परचा आना चाहिए। ये किन्नी देर तक तुहाडा धरना चलेगा जी? ये जिहड़ा जो चंडीगढ़ जी मीटिंग हुई उसके एक निर्णय किया गया श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके एक घंटा जिहड़ा वा रोड ब्लॉक किया जाएगा इस तो बाद जे इस तो बाद सरकार कुछ नहीं कर रही अगली जी रणनीति होएगी सारे हिंदू संगठन की वो रणनीति बना के फिर उत्ते काम किया जाएगा। शिवसेना समाजवादी शिवसेना भारत उस तो बाद शिवसेना हिंद ब्राह्मण सभा वगैरह सारे हिंदू संगठन इकट्ठे हुए हैं सारे मनों के जोड़ा वा श्री राम जी का जो अपमान होया उस वास्ते विरोध है सारे अज उन्होंने विरोध के वजों अच्छे हुए हैं।
इंडिया क्राइम न्यूज़, जुल्म के खिलाफ।